आज मुझे अच्छा लग रहा है, शायद मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हारा आज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। ये कौन है? 30 मिनट बाद तुम एक ट्रक से टकराओगे और 40 मिनट बाद तुम आग सेककर अपने आप को सुखा रहे होगे। यही तुम्हारा भविष्य है, समझे? आखिर तुम हो कौन और सामने क्यों नहीं आते हो? कि इसमें से रोशनी कैसे निकली? क्या है ये? मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया ना। हाँ, अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस एक सपना था। हाँ अरे डोरेमोन कहाँ हो? हेलो दादाजी, आपका चेहरा बहुत ही ज्यादा पतला है। आपको पता है कि आप पढ़ाई में कभी भी अच्छे नहीं रहे और न ही किसी खेल में, और जब आप बड़े हो गए तब भी आपने कुछ नहीं किया। आप हमेशा दूसरों से मदद लेते हैं और फ्यूचर में भी आप डोरेमोन से मदद लेंगे, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए दादाजी। एक मिनट रुको, ये दादाजी किसे कह रहे हो? पहले ये बताओ मुझे, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम यहाँ आए कैसे? यहाँ कोई दादाजी नहीं रहते। आपसे मिलने आया हूँ। क्या मुझसे? क्या आपको डोरेमोन ने कुछ नहीं बताया? अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। माफ करना। डोरेमोन, तो हम इस ड्रॉर से यहाँ आए हैं। मैं आपका पोता शिवाशी हूँ और ये मेरा दोस्त डोरेमोन है। ये टाइम मशीन की मदद से हुआ। दरअसल मैं फ्यूचर से आया हूँ और आप मेरे दादाजी हैं, आप समझ गए ना? दादाजी आप ज्यादा परेशान न हो, मैं आपका पोता शिवाशी हूँ और इससे मिलिए, ये है मेरा दोस्त जो फ्यूचर में आपकी मदद करेगा। हेलो, मैं हूँ डोरेमोन, तुमसे मिलकर खुशी हुई। तो इस तरह से देखना बंद कीजिए और मान लीजिए कि आप मेरे दादाजी हैं। अरे ये क्या है, मैं तो स्कूल में जाता हूँ और मेरा पोता भी हो गया है क्या? देखो मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं। इसके पास दिमाग नहीं है क्या? मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है डोरेमोन। अच्छा देखिए दादाजी, आप कभी ना कभी तो बड़े होंगे ना, और तब आपकी शादी भी होगी, है ना? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मतलब आज से 19-20 साल बाद होगी। हाँ होगी, पर किससे होगी? क्या वो लड़की शिजुका है? शिजुका? वो तो जियान की छोटी बहन है। सही कहा। क्या कहा तुमने? जियान की छोटी बहन? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा, प्लीज कह दो ये सब झूठ है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे समझाऊं। देखो ये है तुम्हारी शादी की एल्बम, तुम इसमें देख सकते हो। ये जैको और तुम ही हो ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये सच नहीं है, ये सब झूठ है। तुम सब जाओ यहाँ से फौरन। मैं और जियान की छोटी बहन, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे लगता है मुझे थोड़ी देर बाहर घूमना चाहिए। 30 मिनट बाद तुम्हारी एक ट्रक से टक्कर होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा जैको, वहाँ तो उस तरह की और भी बहुत सारी शॉप होंगी ना? और वहाँ ऐसी बहुत सी चीजें हैं। जैको फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ चलूँगी। हाँ ये तो शिजुका है, सुनो शिजुका। हाँ शिजुका। अरे ना पता। अरे मैं तो ठीक हूँ, मेरी तो ट्रक से टक्कर नहीं हुई। इसका मतलब जो डोरेमोन ने भविष्यवाणी बताई वो बिल्कुल गलत थी। अरे ये क्या, मुझे तो किसी बच्चे के ट्रक ने टक्कर मारी। मुझे माफ कर देना। देखो तो नोबिता के साथ क्या हुआ। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, वैसे भी तुम मेरी दोस्त नहीं हो और मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, समझ में आया? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो नोबिता? पर उस भविष्यवाणी में तो ये भी था कि मैं आग सीखूंगा, लगता नहीं ऐसा कुछ होने वाला है। माफ करना नोबिता, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि तुम यहाँ से गुजरने वाले हो। कोई बात नहीं, मैं तो अपने कपड़े आग के सामने सुखा रहा हूँ, इसका मतलब दूसरी भविष्यवाणी सच हो गई। क्या यही मेरा भविष्य है? चलो देखता हूँ 20 साल बाद क्या होने वाला है। नोबिता यूनिवर्सिटी के
एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो जाएगा। 28 साल का हुआ तो नौकरी नहीं होने की वजह से अपनी कंपनी खोली। जब 33 साल का हुआ मेरी कंपनी में आग लग गई। इसमें मेरे ही कर्मचारी जिम्मेदार हैं। 33 साल में दिवालिया हो गया। मेरे पास पैसे नहीं है लोगों को देने के लिए। इसका मतलब मेरा भविष्य बहुत ही खराब है। दादाजी की वजह से हम लोग बहुत गरीब हो गए, क्योंकि वो बहुत कर्जे में थे, और इसीलिए दादाजी की वजह से मुझे बहुत कम पॉकेट मनी मिलती है। मैं क्या करूं? मुझे माफ करना, मेरी वजह से मेरी आने वाली पीढ़ी को कितना सब कुछ सहना पड़ रहा है। मैं शर्मिंदा हूँ। अरे तुम परेशान मत हो, बताओ। घबराइए मत, क्योंकि आपका भविष्य बदलने वाला है। क्या सच में? हाँ, इसीलिए हम दोनों यहाँ आपके पास है। अब से आपको कोई भी परेशानी या मुसीबत नहीं होगी। ये मेरा दोस्त है डोरेमोन, जो आपकी मदद करेगा और हमेशा आपके साथ ही रहेगा। तुम्हारा शुक्रिया सेवाशी, तुमसे दोस्ती करके अच्छा लगा। मुझे भी सच में बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ दादाजी। अपना ध्यान रखिएगा। नोबिता, मुझे तुम्हारे शहर में घूमने का बहुत मन कर रहा है। क्या तुम मुझे घुमाना पसंद करोगे? जरूर, क्यों नहीं। मैं अपने साथ बहुत सारे गैजेट्स भी लाया हूँ, जो शायद तुम्हारे काम आ सके। वो यहाँ पर है मेरी पॉकेट में। देखो, बैम्बू कॉप्टर। सुनो डोरेमोन, तुम्हें लगता है ये सही जगह लगा हुआ है? मेरे साथ उड़ तो रहे हो ना? हाँ, पर मुझे लगता है कोई गलती हुई है। मैं कभी कोई गलती नहीं करता, समझे? देखो जियान, मेरी कॉमिक बुक मुझे वापस कर दो। एक मिनट रुको, सुनियो, मुझे देखने तो दो। लेकिन मेरी कॉमिक बुक मुझे ही पहले पढ़नी चाहिए। नहीं, अभी मैं पढ़ूंगा, ठीक है? ऐसा मत करो जियान। अरे नोबिता, तुम यहाँ पर ऊपर से कैसे आए? नोबिता, बात क्या है? वो बात ये है कि नोबिता, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी छोटी बहन को रुलाया, उसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अब ये मोटा तो मुझे छोड़ेगा नहीं। मेरी मदद करो डोरेमोन। नोबिता, आइडिया, कहाँ गई? अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अरे अरे, मेरे लग गई। अरे जियान, क्या हुआ? नोबिता, वो उड़ने वाली चीज क्या थी जो नोबिता को अपने साथ ले गई? डोरेमोन, तुम कहाँ चले गए थे और तुमने ये सब कैसे किया? मैंने अपने गैजेट की मदद से तुम्हारे शरीर को बहुत हार्ड कर दिया था। अच्छा, तभी जियान के हाथ में चोट लग गई जब उसने मुझे मारा था। सही कहा। मॉम, अरे नोबिता, तुम आओ आओ, यहाँ पर बैठ जाओ। मैं आप दोनों को किसी से मिलवाना चाहता हूँ, मॉम डैड। हाँ, पर किस से? क्या वो तुम्हारा कोई दोस्त है नोबिता? ऐसा ही है। हेलो, मैं हूँ डोरेमोन, और आज से मैं आपके साथ रहकर आप लोगों की मदद करूँगा। मिलकर खुशी हुई। ये तो बिल्ली जैसा है और बातें भी करता है। क्या मतलब है आपका? मैं एक रोबोट।